हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने बायोडायवर्सिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि क्लासिफाई किस तरह से किया गया है। पिछले क्लास में हमने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मोनेरा इस टाइप के ग्रुप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ आते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेटाजोआ, यानी कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स के बारे में। कॉर्डेटा एनिमल्स में वर्टेबल कॉलम पाया जाता है, यानी उनमें बैकबोन होती है, और नॉन कॉर्डेटा एनिमल्स में बैकबोन नहीं पाई जाती। इनवर्टिबेट्स में आते हैं स्पंजेस, वॉर्म्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये सब आते हैं। और वर्टिब्रेट्स में आते हैं फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एनिमेलिया ग्रुप, मतलब जो एनिमल किंगडम है उसको हमने नाम दिया है एनिमेलिया। यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। इस किंगडम में यूकेरियोटिक टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं, और उनका टाइप क्या होता है, वो मल्टीसेलुलर और हेटरोट्रॉफिक टाइप के होते हैं। ये खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है। मल्टीसेलुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। देयर सेल्स आर डिवाइड ऑफ सेल वॉल्स, और इनकी जो सेल्स है वो सेल वॉल से ढकी हुई होती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोटाइल, दैट इज शो लोकोमोशन, और ये लोकोमोशन शो करते हैं। किंगडम एनिमेलिया हैज़ बिन क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप्स। एनिमल किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मैंने बताया कि कॉर्डेटा कौन से होते हैं, जिनमें बैकबोन पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेटा में बैकबोन नहीं पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यहाँ पे एक टर्म आया है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है, हमारी जो बैकबोन होती है उसमें एक फ्लूड भरा होता है। फ्लूड मतलब कोई लिक्विड चीज़ भरी होती है, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। बच्चों में ये फ्लूड बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन एडल्ट्स में ये बहुत रिजिड होता है, मतलब कठोर होता है। तो फर्स्ट है नॉन कॉर्डेटा। द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप लैक नोटोकॉर्ड एंड वर्टेबल कॉलम। इस ग्रुप के एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, और ना ही वर्टेबल कॉलम्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन दिस ग्रुप हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस फाइलम। और इस ग्रुप को बहुत सारे फाइलम में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है हमारे पास पोरीफेरा फाइलम। पोरीफेरा फाइलम मीन्स पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, जिनमें पोर्स हो मतलब छेद हों। दे आर लिव इन एक्वेटिक एरिया, और ये कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक एरिया मतलब पानी में रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पंजेस, और इनको स्पंजेस कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है इरेगुलर शेप की होती है, स्पंज लाइक होती है। स्पंज में क्या होता है, जैसे हम उसको स्पंज पर पानी डालते हैं तो पानी से एकदम भर जाता है, और जब हम उसको अच्छे से पानी से निचोड़ देते हैं तो उसमें से पूरा खाली हो जाता है। इस टाइप की उनकी स्ट्रक्चर होती है पोरीफेरा की। दे आर मल्टी सेलुलर, और ये मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी टिश्यूज और ऑर्गन्स, इनके पास और कोई ऑर्गन्स या टिश्यूज़ नहीं होते हैं। स्पंजेस लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट एज दे हैव टू हैव एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विथ वाटर, और ये वाटर से कॉन्टेक्ट में रहते हैं। वाटर प्लेज अ मेजर रोल इन द फीडिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एज वेल एज एक्सक्रीशन, और वाटर इनकी मदद करता है गैस के एक्सचेंज में, फीडिंग में और एक्सक्रीशन में। द बॉडी ऑफ द स्पंजेस हैज़ मैनी हॉल्स एंड पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, और इनकी बॉडी पर जो हॉल्स होते हैं या पोर्स होते हैं उनको ऑस्टिया कहा जाता है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ स्पंजेस इज डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट वाटर मूव्स थ्रू द बॉडी, और इनकी शेप ही इस तरह से होती है, इनमें बहुत सारे हॉल्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है जब ये वाटर में रहते हैं तो वाटर जो है इन हॉल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, मतलब इनकी बॉडी से बाहर भी आ सकता है और इनकी बॉडी के अंदर भी जा सकता है। वेयर इट कैन फिल्टर आउट फूड एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द डिजॉल्व ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल, और इन्हीं फॉल से ये क्या करते हैं,
फूड को अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में उसको भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? साइकॉन और स्पॉन्जिला। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास नीडीरिया। दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड हैव टिश्यूज लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और इनका न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है, ये कार्निवर्स टाइप के होते हैं, मतलब मांसाहारी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निडेरिया, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, मल्टी सेलुलर, फ्यू टिश्यूज, सम ऑर्गेनल्स, बॉडी कंटेन एन इंटरनल कैविटी एंड अ माउथ। ऑर्गन्स के रूप में इनके पास सिर्फ इंटरनल कैविटी होती है और माउथ होता है। टू डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट, मेड्यूसा एंड पॉलिप। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। दीज हैज़ अ सिंपल नेट लाइक नर्वस सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नेट लाइक होता है, जाले जैसा होता है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? सी एनिमोन, जेलीफिश और हाइड्रा। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ना तो ब्लड होता है और ना ही हार्ट होता है, मतलब ब्लड और हार्ट दोनों ही एब्सेंट होते हैं। इनका एक्सक्रीटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी एब्सेंट पाए जाते हैं। निडीरिया ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं एंथोजोआ और क्यूबोजोआ, हाइड्रोजोआ। इनकी जो बॉडी होती है वो नेट लाइक होती है, मतलब नेट सी होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक एरिया में। नेक्स्ट ग्रुप है प्लैटीहेलमिंथ। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम हैव फ्लैटेंड बॉडी। इनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर फाउंड एज पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग और अदर एनिमल्स। इनमें से बहुत सारे एनिमल्स इस टाइप के होते हैं, पैरासाइट नेचर दर्शाते हैं, मतलब पैरासाइट नेचर के होते हैं जो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहे, और ये खाने के लिए ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए उनको पैरासाइट कहा जाता है। दे हैव ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज ट्राइप्लॉप्स्टिक एंड विट्रल सिमेट्रिकल। दीज एनिमल्स डू नॉट हैव बॉडी कैविटी एंड देयरफॉर कॉल्ड एसियोलोमेट। का मतलब है इनकी बॉडी फ्लैट होती है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। इनमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट होती है। इनका नेचर पैरासाइट नेचर होता है और ये बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर एकदम रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? टैप वर्म, लीवर फ्लूक और प्लैनेरिया। यहाँ पे प्लैटीहेलमिंथ्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, फ्लैट वर्म्स, मोनोजीनियन, टैप वर्म्स, फ्लूक्स। इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है और इनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है। नेक्स्ट फाइलम है अशेलिथेमेंसिस। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम हैव ए सिलेंड्रिकल बॉडी। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में होती है, देयरफॉर दे आर नॉन एज राउंड वर्म। इसलिए इनको राउंड वर्म भी कहा जाता है। दे आर फ्री लिविंग एक्वेटिक और पैरासाइट राउंड वर्म्स। ये फ्री लिविंग्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और पैरासाइट नेचर के होते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स फिलेरिया वॉर्म, एस्केरियस एंड वुचेरिया। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा फाइलम। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, समटाइम्स पैरासाइट इन नेचर। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पैरासाइट नेचर के होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। दे हैव सेगमेंट बॉडी। इनकी बॉडी सेगमेंट होती है, मतलब बहुत सारे खंड होते हैं इनमें, अलग अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, सेगमेंट टाइप बॉडी होती है। These animals have nephrida for excretion. और ये excretion के लिए क्या use करते हैं? Nephridia. एक organ होता है जो kidney की तरह work करता है। Examples क्या हो जाएंगे? Leech, earthworm और nares. Earthworm अपनी skin से सांस लेता है, और इसके example क्या हो जाएंगे? Cicania, earthworm, लीच, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है ऑर्थोपोडा। ऑर्थो मतलब होता है जॉइंटेड, पोडास मतलब लेग्स। इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। इट मींस ऑर्थोपोडा हैव जॉइंटेड लेग्स।
और इनको अपेंडिस भी कहा जाता है एंड फ्रेगमेंट बॉडी, और इनकी बॉडी बॉडी भी क्या होती है, फ्रेगमेंट में होती है, मतलब खंड में होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, और ये सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, क्योंकि इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं और क्रैब्स है, बटरफ्लाई, ये सभी इसी में आते हैं, इसलिए सबसे बड़ा फाइलम होता है। दीज आर लिव इन एयर वाटर लैंड, और ये हवा में, पानी में, स्काई में, सारे जगह रह सकते हैं। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड एनिमल इज़ कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, और इनकी बॉडी में फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब इनमें हेड होता है, थ्रॉक्स होता है और अब्डोमेन होता है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ दिस फाइलम, कौन से इंसेक्ट्स की, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव विंग्स ऑल्सो, और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बटरफ्लाई, कॉकरोच, प्रॉन, क्रैब्स, फ्लाई इंसेक्ट्स, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लेग्स कितने होते हैं, 3 pairs में होते हैं, मतलब 6 legs होते हैं। सबसे बड़ा फाइलम होता है क्योंकि इसमें बटरफ्लाई, केकड़े, झींगा और जो फ्लाई इंसेक्ट्स हैं सब कुछ इसी में आ जाता है। नेक्स्ट फाइलम है मोलास्का फाइलम। द एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये एनिमल्स टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब ज़मीन पर भी रह सकते हैं या फिर पानी में भी रह सकते हैं। मोलस्का एनिमल्स हैव सॉफ्ट एंड स्लिपरी बॉडी, इनकी बॉडी एकदम स्लिपरी होती है, मतलब हाथ में लेते ही स्लिप हो जाते हैं और एकदम सॉफ्ट होती है। ये सेकंड लार्जेस्ट किंगडम होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम कौन सा होगा, आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद क्या आएगा, मोलस्का ग्रुप। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज़ कवर्ड बाय ए हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनकी बॉडी क्या सेक्रेट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की उनके ऊपर एक शेल बन जाती है जिससे वो अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कछुआ है, कछुए के ऊपर एक शेल बनी हुई होती है, तो वो कौन से ग्रुप में आता है, मोलस्का ग्रुप में आता है। वो शेल किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। इस टाइप के एनिमल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर शेल बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। दीज आर हेट्रोट्रॉप्स, और ये हेट्रोट्रॉप्स टाइप के होते हैं और इनमें गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ऑक्टोपस, एप्पल स्नेल, लैंड स्नेल, पर्ल ऑयस्टर। इस टाइप के एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक आउटर शेल बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कौन कौन, ऑक्टोपस, सेपिया, यूनिया, पर्ल ऑयस्टर, लैंड स्नेल। नेक्स्ट फाइलम है इकिनोडर्माटा। इकिनो मीन्स होते हैं स्पाइन्स, कांटे, और डर्म मतलब होता है स्किन। इसका मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन पर स्पाइन्स हो, कांटे हो। दीज एनिमल्स हैव स्पाइनी स्किन एंड एंडोस्केल्टन मेड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स इज कवर्ड विथ स्पाइन्स, हेंस दे आर नेम्ड स्पाइनी स्किन एनिमल्स। These are lives in marine water. ये समुद्र के पानी में रहते हैं। Examples हो जाएंगे starfish, sea cucumber, sea lily और sea urchin. इस टाइप के जो animals होते हैं उनकी बॉडी पर spines होते हैं, कांटे होते हैं, इसलिए इनको spine bearing animals या फिर spiny skinned animals भी कहा जाता है। इनके examples क्या क्या हैं, starfish, sea lily, sea cucumber, ये भी animals होते हैं। इतनी देर हम नोटोकॉर्ड एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे, यानी जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। अब हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा एनिमल्स के बारे में। द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप हैव अ नोटोकॉर्ड इन सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, और इस टाइप के एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड किस में होता है, हमारी बैकबोन में होता है, ये एक फ्लूड होता है। इन सम कॉर्डेटास द नोटोकॉर्ड इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टेबल कॉलम, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं या फिर ऐसे कॉर्डेटास भी होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड की जगह वर्टेबल कॉलम्स पाए जाते हैं। दे हैव एंडोस्केल्टन ऑल्सो, और उनमें एंडोस्केल्टन भी पाए जाते हैं। कॉर्डेटा ग्रुप में फर्स्ट फाइलम है फिशेज। द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर फाउंड इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, ये समुद्र के पानी में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। देयर स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स, द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड फिन्स आर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग, और इनकी बॉडी पर फिन्स या फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स होते हैं मछली के पैर। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड, गिल्स आर फाउंड फॉर रेस्पिरेशन, और इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये मछली जो है
वो कहाँ से सांस लेती है? अपने गिल्स से, विच यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, वो ये रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं। दीज एनिमल्स आर एक्सोथर्मिक और ले एग्स। एक्सोथर्मिक एनिमल्स का मतलब है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, मतलब ठंडा होता है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, जो बाहर के जो एटमोसफियर है उसके अकॉर्डिंग अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बैलेंस करके रखते हैं। इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ट दो चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है। दोनों क्या होते हैं, ऑरियम होते हैं। द एंडोस्कल्टन इज मेड अप टू बोन्स एंड कार्टिलेज। और जो इनका एंडोस्कल्टन है वो दो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, शार्क फिश जिसको डॉग फिश भी कहा जाता है, रोहू, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहा जाता है, मॉस्किटो फिश, स्टोन फिश जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। ये जितनी भी फिशेज हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। और जो शार्क फिश होती है उसकी बॉडी में एक भी बोन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट ग्रुप है एम्फीबियंस। द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास कैन लिव इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट। इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। देयर स्किन इज़ डिवॉइड ऑफ स्केल्स बट म्यूकस ग्लैंड आर फाउंड। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, लंग्स एंड स्किन। और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लंग्स का यूज़ भी कर सकते हैं और स्किन का यूज़ भी कर सकते हैं। एम्फीबियंस आर एक्सोथर्मिक एनिमल्स एंड ले एग्स। और ये भी अंडे देते हैं और एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। जब ये एनिमल्स वाटर में होते हैं तो ये अपने रेस्पिरेशन के लिए स्किन का यूज़ करते हैं, मतलब स्किन से सांस लेते हैं। और जब ये लैंड पर होते हैं तो लंग्स से सांस लेते हैं। और इनका जो हार्ट होता है उसमें तीन चैम्बर होते हैं, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, फ्रॉग, हाइला, सेलेमेंडर्स, टॉड्स, न्यूट्स। ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम है रेप्टाइल्स। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स एनिमल्स ऑफ क्लास रेप्टिला आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इनमें से मोस्टली एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, मतलब लैंड पर रहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर क्रीपिंग क्रॉलिंग लोकोमोशन दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो रेंकर चलते हैं, इसलिए ये लैंड पर ज़्यादा होते हैं। देयर बॉडी रिमेन कवर्ड विथ स्केल्स। इनकी बॉडी स्केल्स से कवर रहती है। लंग्स आर द मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और इनका मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होते हैं, ये लंग्स से सांस लेती है। रेप्टाइल्स आर एक्सोथर्मिक एनिमल्स एंड ले एग्स। और ये भी एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये बाहर के टेम्परेचर के अनुसार अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बैलेंस करके रख सकते हैं। और ये भी अंडे देते हैं। द एग्स आर कवर्ड बाय लेदरी शेल। और इनके एग्स लेदर की शेल से कवर्ड रहते हैं। और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनका हार्ट थ्री चैम्बर्ड में होता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, लिजर्ड, स्नैक्स, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस। रेप्टाइल्स एनिमल्स कौन कौन से आ जाएंगे, लिजर्ड मतलब छिपकली, और स्नैक्स, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल जो होते हैं वो मैमल्स में भी आते हैं और रेप्टाइल्स में भी आते हैं। फ्लाइंग लिजर्ड या फिर एलिगेटर जिसको हम घड़ियाल कहते हैं, ये सब इस टाइप के एनिमल्स में आते हैं। नेक्स्ट फाइलम है एव्स। एव्स जो फाइलम है उसमें जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सभी आते हैं। ऑल द बर्ड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस फाइलम। इन बर्ड्स द फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड द बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। और इनकी बॉडी पंखों से पूरी तरह से कवर रहती है। बर्ड्स हैव बीक एंड दे रेस्पायर बाय लंग्स। और बर्ड्स के क्या होती है, चोंच होती है। दे रेस्पायर बाय लंग्स, और ये लंग्स से सांस लेते हैं। दीज आर एंडोथर्मिक एनिमल्स एंड ले एग्स। और ये एंडोथर्मिक टाइप के होते हैं। एंडोथर्मिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका ब्लड हॉट होता है, हॉट ब्लडेड एनिमल्स। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इनको एंडोथर्मिक या फिर हॉट ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। द बोन्स ऑफ द एंडोस्केल्टन आर लॉन्ग एंड हॉलो। और इनकी बोन्स एकदम हल्की होती है और लॉन्ग होते हैं।
हल्के बोन्स होने के कारण ही ये आसानी से उड़ पाते हैं। दीज आर वार्म ब्लडेड या फिर हॉट ब्लडेड एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? काइट, पैरट, पिकॉक, जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स हैं ये सब एव्स में आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होती है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को स्विफ्ट ऑफ जापान भी कहा जाता है क्योंकि ये आगे और पीछे दोनों साइड एक बार में देख सकती है और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। जितनी भी बर्ड्स है वो सारी किस्में आएगी एव्स फाइलम में, चाहे वो पिकॉक हो, ऑस्ट्रिच हो, हैन हो, पैरट हो, स्पैरो हो। नेक्स्ट फाइलम है मैमल्स। मैमल्स आर द एनिमल्स ऑफ क्लास मैमेलिया, और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैमेलिया ग्रुप में आते हैं। और ये ऑल टाइप जितने भी एनवायरनमेंट में, चाहे ये एयर में पा सकते हैं, लैंड पर पा सकते हैं और वाटर में पा सकते हैं, इनको हम मैमल्स का नाम देते हैं। दीज एनिमल्स हैव मेमरी ग्लैंड्स, और इनके पास मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। मेमरी ग्लैंड्स कौन सी होती है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मतलब जिनसे मिल्क प्रोड्यूस होते हैं उनको मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। और ये फीमेल्स में होती हैं, चाहे वो फीमेल एनिमल्स हों या फिर फीमेल फिश हो। और इनकी बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। द हार्ट ऑफ मैमल्स इज़ 4-chambered, और इनके हार्ट 4 chamber में होते हैं, 2 ओरियम और 2 ventricle। इनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं और एक्सटर्नल ईयर होते हैं। ये इनके कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कहेंगे? ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या हैं? मैमल्स हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है, 4-chambered भी होते हैं और वार्म ब्लडेड भी होते हैं। ह्यूमन बींग्स, कंगारू, डॉल्फिन, बैट, काउ, डॉग, लायन, ये सब क्या है? मैमल्स हैं। मैमल्स में जो सबसे इंटेलिजेंट मैमल है वो ह्यूमन बींग्स भी है, और सेकेंड इंटेलिजेंट मैमल्स डॉल्फिन होती है। हमने पढ़ा मैमल्स में कौन कौन से आएंगे, जो 4-chambered हार्ट हो, और जिन फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स हो, बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो, रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन है वो लंग्स हो, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हो, जैसे लायन, डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, वेल फिश, कैट, काउ, ये सब मैमल्स में आएंगे। आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में हमने एनिमल्स किंगडम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटेट एंड एडॉप्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, कौन कौन से प्लांट किस किस टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।